सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें अबेकस यूपी के पोर्टल पर अपना डेटा कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी शिक्षक अपना पूरा डेटा अपलोड कर दें। इसी क्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का 24 अगस्त 2022 को आदेश आया है, जिसमें सभी कॉलेज को ये निर्देश दिया गया है कि 31 अगस्त 2022 तक अबेकस यूपी के पोर्टल पर सभी लोग अपना डेटा अपलोड कर दें। ये लेटर जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेटर है वो। तो इसी प्रोसेस को सभी के लिए सरल बनाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखिए और कैसे अपलोड करना है डेटा उस प्रोसेस को समझ लीजिए और सभी अपना डेटा अपलोड कर दीजिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो हम आज की इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। एक तो ये रजिस्ट्रेशन, अबेकस की वेबसाइट पर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है टीचर्स को, उसके बाद डाटा अपलोड कैसे करना है, और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जर्नल्स की डिटेल्स को कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें जर्नल्स की काफ़ी सारी डिटेल हमें डालनी होगी। पेपर कब आया था, किस ईयर में आया था, उसका ISSN नंबर क्या होगा, और उसको UGC केयर लिस्ट में किस लिस्ट में है, वो लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है, वहाँ से वेरीफाई करना है कि वो UGC लिस्टेड है या नहीं है, और उसकी फाइनल लॉकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब काम हमें करने हैं। कुछ ज़रूरी वेबसाइट्स हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। पहली वेबसाइट है abacus.upsdc.gov.in। इस साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सारा जो डेटा अपलोडिंग का काम है वो इसी वेबसाइट पे होगा। दूसरी वेबसाइट है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे जाके हम अपने जर्नल्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, उस डेटा को निकालते कैसे हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है अपने पेपर की तो आप यहाँ पे जाके निकाल सकते हैं। और जो तीसरी वेबसाइट है ugccare.unipune.ac.in, इस वेबसाइट पे जाके हम अपने जर्नल की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पेपर, रिसर्च पेपर जो भी हमने पब्लिश किया है वो इनकी UGC की लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो वो किस लिस्ट में है, क्योंकि हमें ये चीज़ वहाँ पे अपलोड करनी है या उनको बताना है कि हमारा किस लिस्ट में वो आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम अपने वेब पेज पे चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या कर। देखिए, सबसे पहले हमें गूगल पेज पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है अबेकस यूपी। ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट करवाई है, आप देख सकते हैं ये वही वेबसाइट है। तो इसी सही वेबसाइट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज खुलेगा, अबेकस यूपी का होम पेज खुलेगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अबेकस यूपी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फैकल्टी, स्टूडेंट वगैरह वगैरह। हमारे काम का फैकल्टी है, अगर आप टीचर हैं तो आपको फैकल्टी पे क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें एक तो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक ऑप्शन है फैकल्टी लॉगिन का। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ से फैकल्टी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है इस वेबसाइट पर तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी आईडी बनानी है। वो कैसे बनानी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे डालना है अपना ईमेल आईडी। और यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट ओटीपी एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को हमें अपने मोबाइल में चेक करके इस पर डाल देना है। तो मैं OTP डाल देता हूँ। पहले मैंने OTP डाल दिया, उसके बाद ये जो कैप्चा है ये कैप्चा डाल देना है, कैपिटल T, स्मॉल A, Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल J। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट OTP टू प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए, OTP डालने के बाद एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मोबाइल पे OTP आएगा और ईमेल पे भी आएगा, लेकिन जैसा कि ऊपर मैसेज आ रहा है टेक्निकल इशू की वजह से जो OTP आपके मोबाइल पे आ रहा है वही OTP आपका ईमेल वाला OTP भी होगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपसे दो बार OTP डालने के लिए कहेगा, तो आपको दोनों ही बार में सेम OTP डालना है, जिसके बाद ये फैकल्टी रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। ठीक है, इसे फिल करके सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम सेलेक्ट करना है अपना, स्टेट नेम कौन सा स्टेट है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, जहाँ पे भी आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वहाँ की जगह डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ इसमें अलीगढ़। उसके बाद आपको डालना है यूनिवर्सिटी नेम, जो भी यूनिवर्सिटी है मैंने सेलेक्ट कर लिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है कॉलेज, तो मैं इसमें कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। काफ़ी सारे कॉलेज हैं, जो भी कॉलेज होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। कॉलेज सेलेक्ट कर लिया मैंने, श्रीवाष्णे कॉलेज। उसके बाद नाम, डेजिग्नेशन, नाम अपना खुद का डालना है, डेजिग्नेशन डालना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट हैं तो एसोसिएट, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर, इनमें से जो भी आप हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना रोल। ये मैंडेटरी नहीं है। टीचर, फैकल्टी, किस फैकल्टी में हैं आप, अगर आप साइंस के टीचर हैं तो साइंस का, अदरवाइज जिस भी फैकल्टी के आप टीचर हैं उसको सेलेक्ट करना है। पेन नंबर डालना है अपना, आधार नंबर डालना है, जेंडर मेल फीमेल डालना है, पासवर्ड डालना है अपना एक, और कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। इसे सबमिट करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैंने आपको करके दिखा दिया है कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। आपको सारी डिटेल करेक्ट डालनी है, आधार नंबर और पैन नंबर। आधार मैंडेटरी नहीं है, आप केवल पैन नंबर डाल के भी, जिस पे स्टार लगा है वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, आप फ्यूचर में जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, इन दोनों ही चीज़ों से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अब इस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना आईडी बनाया हुआ है। तो हम दोबारा से चलते हैं फैकल्टी पे और हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है, अगर आप एडेड कॉलेज में हैं तो एडेड कॉलेज, ऑटोनोमस और सेल्फ फाइनेंस में है तो ये। तो जिस भी कैटेगरी में आपका नाम आता है आपको उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड। उसके बाद कैप्चा और यहाँ पे क्लिक कर देना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो अबेकस का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना नाम मेरा आएगा, अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम आएगा, ऊपर कॉलेज का नाम आएगा आप किस कॉलेज के हैं, और यहाँ पे तीन कॉलम हैं जिसमें पहला है फैकल्टी प्रोफाइल, दूसरा है एकेडमिक डिटेल्स और तीसरा है अकाउंट डिटेल्स। इन तीनों को मैं शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ जहाँ जहाँ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जब आप फिल करेंगे। तो पूरा फिल करने मतलब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम केवल वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे, प्लीज़ कंप्लीट फैकल्टी डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इसमें फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी ही डिटेल बहुत कॉमन है। तो इसमें कुछ भी बताने का ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई मुसीबत या परेशानी हो, तो ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपका वो डेटा सेव हो जाएगा। हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है फैकल्टी क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जाएगी 10th ऑनवर्ड, 10वीं के बाद जो भी आपने डिग्री अचीव की है या पास किया है, जो भी क्लास पास किया है, सबका डेटा यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए आपने पीएचडी किया है तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, मान लीजिए मैंने ये फिल कर दिया। ईयर, जो भी आपका ईयर होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है, अगर फिजिक्स से किया है तो फिजिक्स फिल कर देंगे हम यहाँ पे। डिवीजन, पीएचडी में कोई नहीं होती है तो आप एनए लिख सकते हैं यहाँ पे, या कुछ मत लिखिए, इसे भी कुछ मत लिखिए और ऐड डेटा कर दीजिए। अगर ये डिवीजन के लिए कहता है तो हम इसमें 60 लिख सकते हैं, 0 फिल कर सकते हैं क्योंकि पीएचडी में कोई डेटा, कोई डिवीजन नहीं दिया जाता। ऐड डेटा कर दिया हमने, हमारी पीएचडी ऐड हो गई। सिमिलरली हम अपना अदर जो डिग्री है हमारे पास, एमएससी है या एमए है या जेआरएफ किया है, तो कोई भी डिग्री, मास्टर्स डिग्री को हम यहाँ से और सारे 10th 12th यूजी पीजी सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा, इसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी किसी भी टीचर को। ये सब अपना पूरा डेटा फिल करने के बाद आप पे इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसे फिल करने में वो आनी चाहिए रिसर्च पेपर्स में। जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था वो रिसर्च पेपर से रिलेटेड ही था, क्योंकि वही एक इशू है जिसमें ज़्यादातर टीचर को प्रॉब्लम आ सकती है, ज़रूरी नहीं सबको हो, बट कुछ शिक्षक साथियों को ये दिक्कत आ सकती थी। चलिए हम रिसर्च पेपर पे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, टाइटल विद पेज नंबर। तो टाइटल तो आपको आपके पेपर का पता होगा, जर्नल नेम भी आपको पता होगा, ईयर भी पता होगा किस ईयर में आया था, ISSN नंबर निकालना होगा और UGC रेफरेंस नंबर या कीयर नंबर या फिर NIS की CAR का डेटा डालना पड़ेगा हमें इसमें, कि हमारा पेपर कहाँ पे है UGC कीयर में, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कहाँ जाके ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल स्कॉलर पे। अब हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं स्कॉलर। स्कॉलर पे करने के बाद गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा, इसे ओपन कर लेना है। और देखिए यहाँ पे अपने पेपर को हम सर्च कर सकते हैं। मैंने अपने एक पेपर को सर्च किया जो मेरा खुद का पेपर है। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं साइट पे जाके। इस पे क्या होता है, जैसे हमने ये पेपर आ गए, हमारे यहाँ जो भी पेपर होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। प्रायोरिटीज़ में हमें कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेटा तो सारे ही पेपर का जाना है, बट मैं आपको एक पेपर का करके दिखा देता हूँ। साइट पे जाना है, इसमें देखिए ईयर, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं तो देखिए यहाँ पे ईयर अवेलेबल है, ये पेपर 2016 का है, पेजेस 388 to 395, ये इस पेज नंबर पे ये मिलेगा। जो वॉल्यूम होता है वो होता है ये 5 नंबर वॉल्यूम है इस पेपर का, और जो पेपर का जनरल है वो ये है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे हम और पेपर का भी देख सकते हैं, इस पेपर का देखते हैं। इस पेपर में देखिए ये है यूरोपियन बायोफिजिक्स जनरल, 47 इसका वॉल्यूम नंबर है, और 2018 में ये पेपर आया था, और जो पेज नंबर है वो है 903 से 915। तो अगर आपको वहाँ पे डिटेल जो डालनी है, वहाँ पे सबसे पहले डालना है पेपर का टाइटल। तो पेपर के टाइटल को हम क्या करेंगे, पेपर के टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने इतना कॉपी कर लिया, कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट, और इसके पीछे कॉमा लगा के जो भी पेज नंबर है इसका 903 से 915, तो आप यहाँ पर लास्ट में ये डाल देंगे 903 से 915 ये डाल दिया हमने। उसके बाद जनरल का नेम, जनरल का नेम भी आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं, यूरोपियन बायोफिजिक्स जनरल, ये कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर दिया, कुछ खास नहीं है। ईयर, ईयर भी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। ISSN नंबर के लिए क्या करना है आपको, इस जनरल को कॉपी करना है और गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके अपने जनरल को क्लिक सर्च करना है, जनरल का नाम डालना है और पीछे लिख देना ISSN नंबर। फिर क्या होगा, इस जो भी ये जर्नल है उसका होम पेज खुल जाएगा, उस होम पेज पे आपको आपके जर्नल का ISSN नंबर मिल जाएगा। इस पे हमें सर्च करना पड़ेगा ISSN नंबर कहाँ दिया हुआ है, मिलेगा ज़रूर हमें ISSN नंबर। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ये रहा और प्रिंट फॉर्म का ये रहा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला जो ISSN नंबर है उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है UGC रेफरेंस नंबर और केयर नंबर कैसे हमें डालना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, ये करने के लिए हमें फिर से गूगल पे जाना है, हम एक और वेब पेज खोलते हैं, इसमें जाते हैं UGC केयर पुणे लिस्ट, आपको ये टाइप करना है UGC केयर पुणे लिस्ट। इसे टाइप करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे UGCcare.unipune.ac.in का वेब पेज दिखाई देगा आपको, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट करवाया था। तो इसे आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने ये पेज खोल लिया। इसके बाद जो इनका वेबसाइट है, ये होम पेज आ गया इसका, इस पर अगर आप, मैंने इसमें ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे, आपने जैसे ID नहीं बना रखी होगी तो आपको इसमें ID बनानी पड़ेगी, वही सिंपल ईमेल ID डाल के और पासवर्ड डाल के आप इसमें ID बना लेंगे लॉगिन पे क्लिक करके, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। फिर आप अपने पेपर को कैसे सर्च करेंगे, देखिए इसमें दो लिस्ट होती है, एक होती है UGC केयर लिस्ट ग्रुप 1 और एक होती है UGC केयर लिस्ट ग्रुप 2। तो देखिए UGC केयर लिस्ट ग्रुप वो होती है जो UGC ने खुद अपने पैनल बना के और कुछ जर्नल्स को फाइंड आउट करके उनको एक PDF फॉर्म में डाला हुआ होता है, और उस PDF फॉर्म को अब UGC केयर ने ऑनलाइन भी कर दिया है, तो अब उस PDF की ज़रूरत नहीं है। आप मैनुअली सर्च करके भी यहाँ से उस टाइटल डाल के, ISSN नंबर डाल के, पब्लिशर डाल के ऐसे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डाल के वैल्यू। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर जर्नल उसमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि यूजीसी ने फिर उसे दूसरा ऑप्शन लेकर आई यूजीसी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप टू बना दिया है, जिसमें जर्नल्स इंडेक्स इन ग्लोबली रिकोगनाइज डेटाबेस, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो बहुत फेमस जर्नल हैं जिनका बहुत नाम है, उन जर्नल की लिस्ट को बना दिया है यूजीसी केयर लिस्ट टू में। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें ये पेज आता है होम पेज। इसमें क्या है, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ का साइटेशन इंडेक्स यहाँ है वेब ऑफ साइंस में, और सेकेंड है साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो जो जिस भी साइट का हो, अगर कोई आर्ट साइट का है तो वो इस पर क्लिक करके अपने जर्नल को सर्च कर लेगा। अगर इसके सर्च में वो जर्नल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में है, और अगर इसकी सर्च में वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है। और अगर आपका ये ग्रुप टू पे सेलेक्ट करने पे आपका जर्नल आता है तो आप लिखेंगे यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप टू, और अगर वन में आता है तो लिखेंगे यूजीसी लिस्ट ग्रुप वन, ग्रुप वन ग्रुप टू लिखेंगे तो वो भी चलेगा। तो जैसे कि साइंस में, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं साइंस पे क्लिक करके अपने जर्नल को एक ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जर्नल था यूरोपियन बायोफिजिक्स, अभी हमने इसके बारे में सर्च किया था, तो इसका नाम को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे जाके सर्च करते हैं वेब ऑफ साइंस में, और ये देखते हैं कि क्या वहाँ हमारा ये जर्नल यूजीसी लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी पे प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल पेस्ट किया मैंने और इसको सर्च किया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पे आ गया यूरोपियन बायोफिजिक्स जर्नल, इस नाम से शायद काफ़ी सारे जर्नल्स हैं, तो मुझे ऐसा जर्नल ढूंढना चाहिए जो यूनिक हो। इस नाम के काफ़ी सारे हैं और बहुत सारे रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो हमें सारे ही सर्च आउट करने पड़ेंगे। अच्छा देखिए, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स रिपोर्ट, ये एक मेरा दूसरा पेपर है, उसका जर्नल है ये, ए बकेट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जो पेपर है, ये बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स रिपोर्ट में है जो यहाँ पे आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स रिपोर्ट। तो ये भी यूजीसी केयर की लिस्ट में है। अगर किसी जर्नल को सर्च करने के बाद उसका कोई डेटा नहीं आता है, मैं एक आपको एक फेक जर्नल करके दिखा देता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च अकेडमी, ये जर्नल है। जब हम इस पर सर्च पर क्लिक करते हैं तो सेम इसी नाम का जर्नल नहीं आएगा, जो भी जर्नल्स आएंगे वो अलग अलग नाम के आएंगे, बिल्कुल मिलता जुलता जर्नल नहीं आएगा। और अगर आप इसको ढूंढ पाते हैं इस लिस्ट में तो फिर आपका जो जर्नल है वो यूजीसी केयर लिस्ट में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी जर्नल को कि वो जर्नल यूजीसी के ऑथराइज्ड है या उसकी लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं, ग्रुप वन, अच्छा लिस्ट ग्रुप वन और लिस्ट ग्रुप टू। तो यहाँ से जो भी डेटा आप निकाल सकते हैं, ये डेटा निकाल के यहाँ पे जाके लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है ग्रुप टू। ठीक है, ग्रुप टू का ये मतलब हुआ कि आपका जो ग्लोबली इंडेक्स जर्नल है उसमें से कोई एक जर्नल है आपका। ठीक है, इस पर करने के बाद हम कर देंगे ऐड डेटा। जर्नल नेम मैंने नहीं डाला, इसलिए ये कह रहा है कि जर्नल नेम डाल दीजिए। चलिए मैं जर्नल नेम कुछ भी डाल देता हूँ, अभी तो मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यही कॉपी कर लिया और यहाँ पे जर्नल नेम में डाल दिया, ईयर सेलेक्ट कर लिया और ऐड डाटा कर दिया। ऐड डाटा कर दिया तो मेरा एक और सीरियल नंबर टू आ जाएगा, इसमें आप सेकंड पेपर की डिटेल्स डाल सकते हैं। ऐसे कर करके आप अपनी सारी पेपर की डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है अवार्ड फेलोशिप पे। इसमें अगर आपको कोई अवार्ड या फेलोशिप मिली हो तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नाम, उसका एजेंसी, किस ईयर में अवार्ड हुई है, या वो इंटरनेशनल है, नेशनल है या फिर स्टेट है। और अगर आपको एक से ज़्यादा डेटा डालना है तो आप यहाँ पे ऐड डेटा करके और उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस। तो अगर आपने कहीं पे कोई पेपर पब्लिश किया है या फिर कहीं पे ओरल लेक्चर दिया है, तो आप यहाँ पे उसका टाइटल डालिए, कॉन्फ्रेंस की डिटेल डाल दीजिए, पूरा नाम, कहाँ पे वो हुआ था, उसका इवेंट, उसका वेन्यू, और वो इंटरनेशनल थी, नेशनल थी, स्टेट थी या यूनिवर्सिटी लेवल की थी, उसका लेवल डाल दीजिए। ये डेटा भरना बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप ऐड डेटा करके एक से ज़्यादा डेटा को भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है और करवा रहे हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो भी यहाँ पे उसकी डिटेल्स, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, रेफरेंस नंबर, डेट, कंप्लीटेड या ऑनगोइंग, वो चल रहा है, पीरियड्स और उसका ग्रांट, ये डिटेल्स फिल कर दीजिए। उसके बाद रिसर्च गाइडेंस, इसमें भी अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है
किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एमफिल है, पीएचडी है, ये सारा डाटा डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं उसका, और सबमिटेड और अवार्डेड है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप ऐड डाटा पे क्लिक करके ये आगे भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट। अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट है तो जैसे हम पेपर्स की डिटेल डालते हैं वैसे ही यहाँ पे हम वो डाल सकते हैं। यहाँ पे है आइडेंटिटी एंड बैंक डिटेल्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। मान लीजिए पैन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे तो पैन कार्ड डालना ही है, आप यहाँ पे भी डाल दीजिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर चाहिए, यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी बैंक है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, सारे बैंक इसमें हैं, आप जो भी बैंक है वो सेलेक्ट करके उसका ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, एफएससी कोड डाल दीजिए और अकाउंट नंबर डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर। तो आपके अगर अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखी है तो आप उसको पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं। जैसे टाइटल बुक लिखी है तो आप यहाँ टाइटल डाल दीजिए, चैप्टर लिखा है तो भी डाल दीजिए, ईयर, पेज नंबर, पब्लिशर, ये सब डेटा जैसे हमने पेपर में किया है वैसे ही करना है, और ISBN नंबर उस बुक का। एक से ज़्यादा हो तो आप ऐड डाटा करके इस डिटेल्स को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये है पोजीशन हेल्ड। तो अगर आपने प्रेजेंटली वर्किंग है जहाँ पे हैं तो वहाँ का डेटा भर दीजिए, एम्प्लॉयर नेम, अपने कॉलेज का नाम, डेजिग्नेशन जो भी है आपका, पीरियड कब से आपने स्टार्ट किया था, और प्रेजेंटली वर्किंग है येस और नो, अपना सिग्नेचर और अपना CV पूरा एक PDF बना के जो 200 KB से कम का होना चाहिए अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और अपना एक फ़ोटो, तो अपना एक फ़ोटो जो 50 KB से कम और अपना एक सिग्नेचर, इन दोनों को ही स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद जितना भी डेटा हमने आपको बताया है वो सारा डेटा आपका सिस्टम में आ जाएगा, और सारा डेटा फिल करने के बाद आपको केवल फाइनल लॉक पे क्लिक करना है और उसे यस कर देना है, सबमिट कर देना है बस, ठीक है। एक बार फाइनल लॉक पे क्लिक करने के बाद आप अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा सिस्टम में नहीं है। अगर फ्यूचर में हो सकता है वेबसाइट में कोई अपग्रेडेशन हो तो चेंज हो पाए, लेकिन फाइनल लॉक करने से पहले अपने डेटा को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई फ्यूचर में कोई भी इशू ना आए। होपफुली आपको सभी स्टेप्स समझा दिए गए हैं, सबको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप ऐसा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।